गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग जो बात करेंगे किसको लेकर रिलेटेड बात करेंगे, हम लोग जो आज लेकर करेंगे कंबाइंड कौन सा एक रिजेक्टिंग का एंड प्रो आर्टा बेसिस पे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या है, प्रीति एंड कंपनी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ पेज 10 लाख डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर ऑफ पेज 10 ईच। The company offers 60,000 share to the public, on which amount payable rupees 2 per share on application, rupees 4 per share on allotment, and the balance when required. Application for 92,000 share were received, on which the director allotted as. Application for 40,000 share full. Application for 50,000 share 40%, application for 2,000 share nil. Rupees 172,000 were realized on account of allotment money, excluding the amount carry for application money. Okay, the so the journal entry record the error. ये तो question था। अब इसको लेके हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग ऑन डिटेल ऑफ एप्लीकेशन मनी कहिए, अदरवाइज एनालिसिस टेबल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे इसका यूज किया जा सकता है। ओके, आइए देखते हैं कैसे शो करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक एनालिसिस टेबल बना रहे हैं। उसके कंडीशन में क्या है, क्या क्या कॉलम होंगे इसमें, शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट, कॉल इन एडवांस और रिफंड। अब कंपनी कह रही कि कंपनी के पास फॉर टोटल सब एप्लीकेशन कंपनी को करना कितना था, अलॉट कितना करना है 60,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ 92,000। कंपनी ने जो पहला कंडीशन बताई है कि कंपनी कह रही कि 40,000 शेयर पे कंपनी ने क्या किया, फुल अलॉटमेंट किया, यानी 40,000 शेयर पे यानी अप्लाइड हुआ था 40,000। देख लीजिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 40,000 पे कंपनी को 40,000 एप्लीकेशन मिला और कंपनी ने अलॉट किया 40,000 शेयर। सेकंड क्या कर रही है कंपनी कि कंपनी को मिला कितना है 50,000, तो 50,000 का 40% यानी 50,000 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा 20,000। ओके, फिर कह रही कि 2,000 पर निल, यानी 2,000 जो शेयर मिला था कंपनी को, इस पे कंपनी ने क्या किया, निल, कोई अलॉटमेंट नहीं की। यानी कंपनी के पास जो टोटल एप्लीकेशन आई थी वो कितना आया था, वो 92,000 एप्लीकेशन आई, कंपनी को करना कितना है 60,000। ओके, अब हम लोग ये देखते हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव कितनी हुई, एप्लीकेशन की मनी कितने रुपीस से है, यहाँ पे रुपीस कितने का यहाँ पे है, रुपीस 2 रुपीस की एप्लीकेशन की मनी है। तो इसके साथ जितना अप्लाइड हुआ था उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 40,000 इंटू 2 80,000, 50,000 इंटू 2 1 लाख, फिर 2,000 इंटू 2 4,000, यानी कंपनी को जो एप्लीकेशन टोटल मिली थी कि का जो अमाउंट आया था वो कितना मिला था 1,84,000। ओके, अब कंपनी एप्लीकेशन की शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकती है, तो इसके लिए जितना कंपनी अलॉट करेगी, यानी इससे हम लोग अप्लाई कर कौन सा एप्लीकेशन की करेंगे, यहां पे भी रुपीस कितने से आएगा, रुपीस 2 रुपीस से, ठीक। अब 40,000 इनटू 2 के हिसाब से किया तो कितना है यहां पे 80,000, 20,000 इनटू 2 किया तो कितना है यहां पे 40,000, और यहां पे कंपनी क्या करी थी नील था, तो नील तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे भी नील आ गया, यानी कंपनी जो टोटल करेगी वो कितना आएगा 1,20,000, यानी एप्लीकेशन शेयर कैपिटल में कंपनी जो ट्रांसफर कर सकती है वो कितना ट्रांसफर कर सकती है 1,20,000। अब कंपनी करी एक्सेस मनी यूटिलाइज कहां पे कर रही है, अलॉटमेंट में, तो अब अलॉटमेंट कितने रुपीज का, अलॉटमेंट कितने रुपीज का, यहां पे अलॉटमेंट है 4 रुपीज का, यानी कंपनी जो अलॉटमेंट ट्रांसफर कर सकती है किसी भी शेयर में 4 रुपीज तक कर सकती है। अब यहां देखते हैं कि कंपनी को मिला था कितना 80,000 शेयर का रुपीज में आई थी, और रुपीज भी इतना कितना था यूज भी कर दिया कैपिटल में कितना 80,000, यानी इसके लिए तो कोई बचा नहीं, ये अमाउंट कहां चली गई, कहीं पर नहीं।
क्यों नहीं गया, फिर से देख लेते हैं कि 40,000 शेयर अप्लाइड हुआ था, 40,000 से अलॉटेड हुआ, तो 40,000 पे जो 80,000 मिला था तो अपनी कैशन में कंपनी ने यूज कर लिया 80,000, तो कोई रिमेनिंग अमाउंट बची नहीं, इसलिए कहीं कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। ओके, अब यहाँ पे थर्ड वाले में आते हैं, 2,000 शेयर पे कंपनी को मिला था कितना रुपीज, 4,000 रुपीज मिली थी, लेकिन कंपनी ने इसका तो कोई यूज किया नहीं, तो ये डायरेक्टली कहां पे चला जाएगा, रिफंड में 4,000 रुपीज। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है कि एक्सेस अमाउंट डिलाइज कर रही है, कहां पे अलॉटमेंट है, यहां पे था कितना 50,000 पे आया था, लेकिन कंपनी ने अलॉट कितना किया था 40% ऑफ 50,000, तो कितना आया था 20,000, यानी 50,000 इंटू 2 किया तो कितना कंपनी को मिला था 1,00,000। कंपनी ने यूज कितना किया 20,000 इंटू 2 के हिसाब से यूज कितना किया 40,000, अभी भी कंपनी के पास रिवेन्यू कितना बचा हुआ है 60,000 रुपीज, कैसे मानूं 1,00,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू कितना बचा है 60,000। अब कंपनी अलॉटमेंट कितना ट्रांसफर कर सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम, अलॉटमेंट में कितना कर सकती है 20,000 इंटू 4 मैक्सिमम 80,000 ट्रांसफर कर सकती है, अगर 80,000 के से एक्सेस होगा तो 80,000 ट्रांसफर, और फिर नेक्स्ट अगर कॉल में करता है कॉल में, अदरवाइज रिफंड में, अगर 80,000 से कम है यानी कंपनी ने अलॉटमेंट की अमाउंट थी 4 रुपए से, अगर इससे कम के अमाउंट में कॉल की हुई है तब की कंडीशन में कंपनी का जो भी रिमेनिंग बैलेंसिंग अमाउंट होगी वो ट्रांसफर होगी, जैसे 20,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 80,000, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंस बचा है, इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है तो कितने रुपए का 60,000, तो यहां पर कंपनी ने ट्रांसफर कितना किया 60,000। अगर कंपनी करती है एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज कर रही है अलॉटमेंट कॉल्स में, तब ये कॉल्स इन एडवांस का कॉलम बनेगा। ओके, अब इसके बाद और तो कहीं नहीं गया, अब देखते हैं कितने कितने अमाउंट कहां कहां गए, अलॉटमेंट में 60,000, कॉल इन एडवांस नील है, और रिफंड में कितना आ गया 4,000। ओके, अब इस तरह से एक बार फिर से हम देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी को ने ऑफर किया हुआ था कितना 60,000, लेकिन एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई थी 92,000। ओके, जिसमें कंपनी कहा कि 40,000 पे 40,000 अलॉट कर रही है, 50,000 पे 40% एंड 2,000 पे नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, शेयर अप्लाइड हुआ जितना और शेयर अलॉटेड हुआ, तो शेयर अलॉटेड में 40,000 का 40,000, 50,000 का 40% निकाला, तो 20,000 2,000 पे नहीं। अब कंपनी करे कि एप्लीकेशन कितने रुपीज का था, 2 रुपीज का था, तो इंटू 2 किया, यानी इस शेयर अप्लाइड इंटू एप्लीकेशन में रिसीव, तो कितने से होगा 40,000 इंटू 2 80,000, 50,000 इंटू 2 1,00,000, 2,000 इंटू 2 4,000, यानी टोटल कंपनी के पास जो अमाउंट रिसीव हुई थी वो कितना हुआ था 1,84,000। ओके, अब इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, अलॉट कर रही है, तो अलॉट की हुई है तो अलॉट कर रही है तो कितने करेगी, जितना शेयर अलॉट करेगी तो उसके लिए अब कंपनी ट्रांसफर कहां करेगी, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल को भी कितने रुपए से होगा, एप्लीकेशन के अमाउंट से रुपीज 2, तो उन्होंने क्या किया 40,000 इंटू 2 80,000, 20,000 इंटू 2 40,000, एंड इसमें तो कुछ था नहीं से नील, तो कंपनी ने कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकती है मैक्सिमम 1,20,000। ओके, अब क्या हो रही है कि कंपनी ने जितना एक्सेस अमाउंट है यूटिलाइज कहां कर रही है, वो अलॉटमेंट एंड कॉल्स में, उसके बाद क्या कर सकती है, वो रिफंड कर सकती है। तो हम लोग यहां देखते हैं कि कंपनी को जो यहां पे फर्स्ट वाले में, क्योंकि कैटेगरी तीन कैटेगरी हो गई, फर्स्ट 40,000 में 40,000, सेकंड कैटेगरी में 50,000 पे 20,000, एंड थर्ड कैटेगरी में नील। अब देखिए कि जितना अमाउंट यहां पे रिसीव हुआ था उन्होंने यहां पे यूज कर चुके हैं, अब कोई रिमेनिंग अमाउंट बचा नहीं, बचा तो कहीं पे कोई अमाउंट नहीं आएगी। अब थर्ड वाले में देखते हैं, यहां पे 2,000 रुपीस शेयर पे 2 रुपीस के हिसाब से 4,000 मिला था, यहां पे कंपनी यूज तो नहीं किया, इसको डायरेक्ट क्या कर दिया, उसको कंपनी ने रिफंड कर दिया। अब यहां पे जो रिमेनिंग अमाउंट बची है सेकंड कैटेगरी में 1,00,000 रुपीस आया था, लेकिन कंपनी ने एप्लीकेशन में यूज किया कितना 40,000। अब कंपनी कर रही है एक्सेस अमाउंट यूटिलाइज कहां कर सकती है, अलॉटमेंट में, तब कंपनी कितना कर सकती है, यानी अलॉटमेंट कितने रुपीज का, यहाँ पे रुपीज 4 रुपीज का, यानी 20,000 इंटू 4 करके कितना ट्रांसफर कर सकती है 80,000, लेकिन अगर 80,000 से कम है तो वो अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करेगी, अगर 80,000 से एक्स्ट्रा होती तो मैक्सिमम यहाँ पे कितना ट्रांसफर कर सकती है 80,000, लेकिन हम लोगों ने जब डिफरेंस देखा तो यहाँ पे कितने का है 1,00,000 माइनस 40,000 किया तो कितना आया 60,000, या 60,000 यहाँ पे आ गई। ओके, और कोई रिमेनिंग अमाउंट बची नहीं, इसे कॉल इन एडवांस में कुछ नहीं गया और रिफंड में कुछ नहीं गया। ये तो थे, इसे इस एनालिसिस टेबल कर सकते हैं, या स्टेटमेंट शोइंग द डिटेल ऑफ एप्लीकेशन मनी। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड जनरल एंट्रियां कैसे होती हैं। तो आइए, अब तो जनरल एंट्री होगी, ये तो केवल हमारा ये था एनालिसिस टेबल थी, अब इसके बाद हम जनरल एंट्री की बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एंट्रियां हैं जिसमें कंपनी, अब ये तो उन्होंने बनाया था, अब जनरल एंट्री में
क्या क्या चीज आ सकती है। अब देखिए जो उन्होंने किया था तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी यहां पे, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फर्स्ट एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एप्लीकेशन। ठीक है, कितने से एप्लीकेशन का हमने टोटल रिसीव किया था, 1,84,000। तो यहां पे कितना लिख दिया, 1,84,000। ओके, यहां पे नेशन क्या हो गया, बीइंग द एप्लीकेशन मनी मनी रिसीव्ड, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब कंपनी ने एप्लीकेशन मनी तो रिसीव कर ली। अब रिसीव करने के बाद जो कंपनी एडजस्टमेंट करेगी, जो एडजस्टमेंट करेगी वो कहां पे करेगी, एप्लीकेशन की अमाउंट को कहां एडजस्ट कर रही है कंपनी, कहां पे करेगी, कंपनी वहां पे एडजस्ट करेगी यानी अलॉटमेंट में, और जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको कहां पे करेगी, उसको रिफंड कर रही है। ओके, अब देखते हैं तो नेक्स्ट एंटिटी कंपनी के यहां पे क्या जनरेटी हो जाएगी। नेक्स्ट एंटिटी क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और नेक्स्ट क्या आएगा, टू बैंक। अब देखिए कंपनी ने यहां पे क्रेडिट में किया था 1,84,000, तो डेबिट में यहां पे कितना आएगा, 1,84,000। दूसरे हिसाब से देख सकते हैं कंपनी को करना कितना था, 60,000 है, 60,000 इंटू 2 के हिसाब से कंपनी कितना यहां ले सकती है कैपिटल में, 1,20,000। अलॉटमेंट ट्रांसफर कितना किया था कंपनी ने, 60,000, तो अलॉटमेंट कितना जाएगा यहां पे, 60,000, और रिफंड कंपनी ने कितना किया, 4,000। ओके, अब कंपनी ने एप्लीकेशन की मनी को ट्रांसफर भी किया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट किया, तो नेशन क्या हो जाएगी, बीइंग द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एप्लीकेशन मनी कंपनी ने क्या किया, ट्रांसफर किया, और उसके बाद ट्रांसफर टू कहां ट्रांसफर कर दिए, किस जगह पर कर रही है ट्रांसफर, कैपिटल में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, एंड एक्सेस मनी को क्या कर रही है कंपनी, एडजस्ट कर रही है कहां पे, अलॉटमेंट एंड बैंक में, एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड। ओके, एडजस्टेड, ये तो कंपनी ने शुरुआत के दो एंट्री की। अब कंपनी ने क्या कर रही है कि कंपनी को अलॉटमेंट रिसीव हुआ है, अलॉटमेंट रिसीव हुआ है, तो अलॉटमेंट में कंपनी कह रही है कितने शेयर पे रिसीव हुई थी, वहां पे कंपनी को अलॉटमेंट कितने शेयर पे आई थी, उसमें अलॉटमेंट कितने रुपीज का था, 4 रुपीज का था। ओके, अब इसके आगे देखते हैं अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री क्या होगी। नेक्स्ट सिटी क्या जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें कितने से आ सकती है, कंपनी कितना ट्रांसफर कर सकती है, 60,000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही थी तो 60,000 into 4 कितना हो सकता है यहां पे 2,40,000 ओके। बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू कंपनी ने अलॉटमेंट ड्यू किया ओके। अब कंपनी ने अलॉटमेंट तो ड्यू किया, अब रिसीव कितना करी कंपनी ने कहा कि अलॉटमेंट कंपनी को रिसीव हो रहा, वो टोटल कितना अमाउंट रिसीव हो रहा 1,72,000 ओके। तो यहां पे अब नेक्स्ट डिटेल क्या हो जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिन एरियस अकाउंट डेबिट एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब उन्होंने यहां पर कॉलिन एरियस यूज क्यों किया, क्योंकि कंपनी को 2,40,000 मिलना चाहिए था ओके। लेकिन कंपनी को 2,40,000 में से ऑलरेडी उन्होंने ट्रांसफर कितना कर चुके हैं 60,000, 2,40,000 माइनस 60,000 करते हैं तो कितना आना चाहिए था 1,80,000। लेकिन कंपनी ने रिसीव कितना किया 1,72,000, यानी कंपनी ने 8,000 रुपीज कम रिसीव किए तो क्या हो गया, वो कॉलिन एरियस हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा, यहाँ पे 1,80,000। अब यहाँ पे कंपनी रिसीव कितना किया है 1,72,000, जो रिमेनिंग अमाउंट आई वो क्या हो गया कॉलिन एरियस। 1,80,000 कैसे है यहां पे शो कर देते हैं, कंपनी को मिलना चाहिए था 2,40,000 ड्यू किया है, ऑलरेडी ट्रांसफर कितनी हुई थी 60,000, यानी कंपनी को आना कितना चाहिए था 1,80,000 ओके। रिसीव कितना किया है, अमाउंट रिसीव ऑन कितना किया है एप्लीकेशन की मनी के बाद एडजस्ट करने के बाद कितना रिसीव की कंपनी ने, रिसीव कितना हुआ था कंपनी को 1,72,000। ये जो रिमेनिंग अमाउंट था ये 8,000, ये क्या हो गया वो कॉल इन एरियस हो गया, ये क्या हो गया कॉल इन एरियस ओके। ये तो कॉल इन एरियस हो गए। अब कंपनी जनरेटी क्या करेगी, बींग कोई डाउट फिर से बता देता हूँ, कंपनी को मिलना चाहिए था 2,40,000 लेकिन इसमें ऑलरेडी ट्रांसफर कितना हो चुका था 60,000, यानी रिमेनिंग कितने अमाउंट कंपनी रिसीव कर सकती थी 1,80,000, लेकिन एक्चुअल में रिसीव कितना किया 1,72,000। यहाँ पे कंपनी के पास बचा कितना है, यहाँ पे 8,000, ये जो कॉलिन एरियस हो गए। तो कंपनी अपने यहाँ पे तो एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट कॉलिन एरियस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बैंक में 1,72,000, कॉलिंग एरियस में 8,000 एंड इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में कितना आया 1,80,000। अब कंपनी अपने यहां पर जनरेटी क्या करेगी, ये जनरेटी कर दिया नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव आफ्टर एडजस्टमेंट कॉलिंग एरियस बीइंग द अलॉटमेंट मनी रिसीव अलॉटमेंट मनी रिसीव कब करी आफ्टर एडजस्टमेंट ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद कंपनी ने रिसीव किया एंड कॉल इन एरियस ओके। अब नेक्स्ट अगर एंट्री करना होगा कंपनी को अगर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो कंपनी कितने से करेगी रिमेनिंग जो 4 पीस बचा है तो उसके लिए क्या करेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से, वो भी 60,000 into 4 2,40,000 और उसके बाद जितना रिसीव करेगी ओके। फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या था, क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी के पास टोटल कंपनी ने ऑफर किया था 60,000 शेयर, 60,000 शेयर में
कंपनी को ऑफर की हुई थी और कंपनी के पास एप्लीकेशन रिसीव हुआ था 92,000 के लिए। कंपनी ने क्या किया कि फर्स्ट क्या हुई कि कंपनी कह रही है कि जो 40,000 पे था फुल अलॉटमेंट था, 50,000 पे 20% एंड 2,000 पे नहीं। तो 40,000 पे 40,000 जो हमने एसटी बनाया था, 40,000 पे 40,000, 50,000 का 40% निकाला तो कितना आया था